भी आपने ये भी दिखाया कि कैसे वहां पर लगातार कार्यकर्ताओं को जुड़ने के लिए कहा गया है, क्या तैयारियां हैं एक बार फिर से आप दिखा पाएंगी? क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के अंदर, बाहर, सड़क पर, हर तरफ इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन बारिश के बीच क्या इंतजाम पूरे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस का वो गलियारा है जो ऐसे तो सुनसान पड़ा रहता है नेहा। यहाँ आपको नेताओं के दफ्तरों के बाहर ताले नजर आते हैं अमूमन, और 0/0 सन्नाटा होता है। कोई कार्यकर्ता आ भी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि क्या ईडी के एक्शन ने और महंगाई के जो है रिएक्शन ने कांग्रेस को दोबारा एक तरह से खड़ा करने की कोशिश की है, या कांग्रेस ने खुद को खड़ा करने की कोशिश की है। यहाँ आप देखिए तमाम युवा जो कांग्रेस में कभी किसी आंदोलन में, किसी कार्यक्रम में आपको नजर नहीं आएंगे, अमूमन आपको बुजुर्ग और बड़े नजर आएंगे, कुछ महिलाएं नजर आएंगी, आज ये युवा हैं जो यहाँ पे पहुंच गए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या? महंगाई है छत्तीसगढ़ से, महंगाई है छत्तीसगढ़ से आया जी। क्या मैसेज देने आए हैं आप? हमारा आज पूरे देश में महंगाई में इतने लोग परेशान हो गए हैं, 400 रुपए का डीजल 1100-1200 लेने के मजबूर हो गए, पेट्रोल के लिए। ठीक है, राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं, उनका काफिला पहुंच चुका है। वहां पर भारी नारेबाजी के बीच अब से कुछ ही देर बाद वो कांग्रेस मुख्यालय के भीतर जाएंगे, जहां पर मीडिया को उन्हें संबोधित करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। जयराम रमेश और अजय माकन पहले से ही मंच पर मौजूद हैं, और राहुल गांधी आज ये माना जा रहा है कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर मीडिया के सवालों से मुखातिब होंगे, और साथ ही कई बातें यहां पर राहुल गांधी की ओर से स्पष्ट की जाएंगी, चाहे वो ईडी के सवाल जवाब हो, चाहे उनकी जो जांच है उसको लेकर सवाल हो। तो अब से कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय AICC पहुंच चुके हैं, जहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो लंबे वक्त से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस दरअसल सड़क पर नहीं उतरती है, लेकिन आज और इससे पहले भी कई मौके आए हैं जब कांग्रेस पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन देने की तैयारी में दिखाई दी है। मौसमी, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए नेहा, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, और क्योंकि अब जो मीडिया भीतर है उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। इस दरवाजे से राहुल गांधी किसी भी वक्त अब भीतर आ सकते हैं, और आप देखिए पहले से मंच पे अजय माकन हैं जो मौजूद हैं। लगातार आप देखिए कि अजय माकन ने 2 दिन पहले जयराम रमेश के साथ प्रेस वार्ता की थी, और ये सीधे तौर पर एक खुली चुनौती दी थी कि हम डरने वाले नहीं हैं, ईडी जो करना चाहे। अजय माकन ने यह भी स्पष्ट किया था कि दरअसल कांग्रेस के धरने से सरकार डरी हुई है, इसलिए लगातार ईडी पर फोकस करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे बड़ा दिलचस्प है कि देखिए आप जो सेवा दल है या जो कांग्रेस नेता है, इनकी टोपी देखिए आप, तो बिल्कुल नई कड़क टोपी निकली है, और कांग्रेस के जो संगठन है जिस पर कहीं ना कहीं मिट्टी पड़ गई थी, वहां उसमें आप देखिए एक तरीके से एक नई ऊर्जा जरूर नजर आ रही है। नई टोपी निकाल के आप लोग सब लोग आए हैं, ये बड़ी चमक रही है। थैंक यू जी, कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, हम पूछ रहे कि टोपी नई है कि पुरानी? नहीं नहीं है जी, नहीं नहीं है जी। खास तौर से आज कार्यक्रम का विचारधारा पुरानी है, जिसने देश को आजाद किया। टोपी नहीं है, तो कांग्रेस एक बारी नए अपने आप को रीमॉडल कर रही है, आपको लग रहा है? राहुल गांधी नहीं, बिल्कुल हम राहुल गांधी की अपनी पहले से ही हमारी जो टोपी है उधर जाओ, ये काफी पुरानी है और इसका काफी पुराना इतिहास है, और इसको जो है दोबारा से सेवा दल अपने एक नए रूप में आया है, और वो उसका पूरा अपना कर रहा है। तो सेवा दल भी जगेगा अब? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जब भी देश और देश के लोगों पे विपता आई है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। ईडी से लड़ रहे हैं आपकी महंगाई से लड़? ईडी से क्या लड़ना है, हम लोग जो है महंगाई से और देश के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। नेहा एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से इस मुद्दे को भुना रही है, जो कॉम्बिनेशन आ गया है एक तो ईडी के एक्शन का, और ऊपर से जो मॉनसून का सत्र चल रहा है, सोनिया गांधी को उस दौरान समन किया जाता है, उसमें तड़का लगता है TMC, आम आदमी पार्टी, शिवसेना के तमाम दलों का, वो भी इस बात पे मुखर हो जाते हैं, तो क्या ये बेलची मूवमेंट है?